तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के गौरीगंज तहसील में भ्रष्टाचार चांद पर ढाल रहा है। यहां तहसील में तैनात लेखपाल किसानों की जमीन का खसरा बनाने के नाम पर 30 रुपए प्रति खसरा वसूल रहे हैं, जबकि सरकारी वैधानिक शुल्क मात्र 2 रुपए है। मामला उप तहसील के गौरापूरब कटारी संभई गांव का है, जहां के लेखपाल चंद्रदेव पांडे हैं, जो अपने मूल निवास स्थान कुमारगंज से रोज आते जाते हैं, जबकि शासनादेश है कि लेखपाल अपने हल्के के गांव में ही निवास करें। मामला मोहित कुमार सुतरामस नहीं गांव राजा सरनाम सिंह पोस्ट संभई थाना जामो अमेठी एसआई जुड़ा है। मोहित कुमार को जिला मुख्यालय बुला करके नकल का पैसा लिया जा रहा है। खसरे का कागज मोहित कुमार ने स्वयं के पैसे ऐसे ही खरीद कर लेखपाल को दिया था। लेखपाल साहब उस कागज पर खतौनी ऐसे ही देख करके मोहित कुमार के द्वारा लाए गए 3 खसरे के कागज पर लिख कर ए और हस्ताक्षर कर देने का यह 60 रुपए ले रहे हैं, जो पूरी तरह ऐसे ही गैर कानूनी व भ्रष्टाचार है। अब देखना ये है कि जिला प्रशासन इन पर क्या कार्यवाही करता है। अमेठी एसआई राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। जी भैया अपना नाम बताएंगे? मोहित कुमार। आपके पिता का नाम? राम सनेह यादव। गांव? राजा सन्नाम सिंह। पोस्ट? संभई थाना जामो जनपद अमेठी होगा। क्या तहसील गए थे? क्या करने गए भैया? खसरा बनवाया। खसरा बनवाया लेखपाल साहब से बनवाया था। भैया कितने रुपए लिया? 60 रुपए लिया, 3 खसरे। 3 खसरे का 60 रुपए मांगा था आपसे? हाँ जी, 60 रुपए। अच्छा ये बताइए, कागज आपने ला करके दिया अपने पैसे से कि उन्होंने अपने पैसे से दिया था? अपने पैसे से मांगा। आपने कागज अपने पैसे से ला के उनको दिया? अच्छा, 60 रुपए नहीं देते तो नहीं बनाते? नहीं बनाते, मांगा था 60। इससे कम पैसे में नहीं बनाते? 200 कागज बनवाया गाँव में, सबसे 20 रुपए। अच्छा, गाँव वालों से जो भी बना सबसे 20 रुपए लेते हैं, कम पे नहीं बनाते? हम तो बनाते नहीं। आपकी बात अशोक मान लीजिए।